आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण, प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। अमृत उत्सव में आज जिक्र एक ऐसी शख्सियत का जिसने सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन पर भी धमाल मचाई। खेलों में भारत के लिए बड़ी उपलब्धियां भारत की आजादी से भी पहले हासिल की। आप में बहुत से लोग उनके नाम से इसलिए परिचित होंगे क्योंकि आपने उन्हें रुपहली पर्दे पर देखा होगा। नाम है जानकी दास, जो 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानकी दास जी की पहली पहचान खेल थे? वो अपने जमाने के मशहूर साइक्लिस्ट थे और रेस साइकिलिंग में विश्व भर में उन्होंने कई खिताब जीते। रूबरू होते हैं उनके जीवन के अनेकों उतार चढ़ावों से। सबसे पहले उनके खेल जीवन से जुड़ी एक जबरदस्त जानकारी जो आपको भी हैरान कर देगी। जानकी दास ऐसे इकलौते भारतीय हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य रहे और ये उपलब्धि उन्हें 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान मिली। 1934 और 1942 के मध्य जानकी दास ने साइकिलिंग के कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और सोहरा बूट के साथ मिलकर भारत में 1940 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। चलिए अब क्रमवार जानते हैं इस जबरदस्त उपलब्धियों वाली शख्सियत जानकी दास जी के जीवन को। जानकी दास का पूरा नाम जानकी दास मेहरा था और उनका जन्म 1 जनवरी 1910 में अभिवाजित भारत में लाहौर में हुआ था। जानकी दास जी के बचपन और जवानी में साइकिलिंग एक खेल के रूप में ज्यादा प्रचलित नहीं था, परंतु उन्हें साइकिलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। छोटी उम्र में ही साइकिलिंग को अपनाकर जानकी दास ने बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी शुरू कर दी और ब्रिटिश इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। 1934 और 1942 के मध्य उन्होंने कुल 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया और 1936 वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के एकमात्र भारतीय सदस्य रहे। इसके बाद 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एम्पायर गेम्स में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय और फिर 1940 में ईस्टर्न गेम्स टोक्यो में भी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी होने का हासिल किया। यह वो दौर था जब भारत आजाद नहीं हुआ था और भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश इंडिया के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेना पड़ता था। ऐसे ही एक सम्मेलन में ज्यूरिख में वर्ल्ड स्पोर्ट्स कांग्रेस के आयोजन के समय जानकी दास जी के जीवन में एक जबरदस्त मोड़ आया। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी ने जानकी दास जी की उपलब्धियों को जानने के बाद उनसे कुछ ऐसा कहा कि जानकी दास का जीवन परिवर्तित हो गया। रेडियो नाट्य रूपांतर। जानकी दास जी, आप एक बेहतरीन साइकिलिस्ट हैं। आपकी उपलब्धियों पर न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन की उपलब्धियां गिनी जाती हैं। क्योंकि आप ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजों का बहिष्कार करें और ब्रिटिश इंडिया के बैनर तले खेलना छोड़ दें और स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ जाएं। ये घटना 1946 की है। ये वो समय था जब वर्ल्ड स्पोर्ट्स कांग्रेस में जानकी दास मेहरा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। याद रखिए, ये घटना इंडिपेंडेंस से पहले की है, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने पर जानकी दास स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गए। कहते हैं, वंस ए प्लेयर इज ऑलवेज ए प्लेयर। जानकी दास ने साइकिलिंग तो छोड़ दी, लेकिन साइकिलिंग उनके भीतर से जा नहीं पाई। रेडियो नाट्य रूपांतर। यार सोहराब, गांधी जी की बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। अब मैं ब्रिटिश इंडिया को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं देश के लिए साइकिलिंग में कुछ करना चाहता हूं। क्यों ना कोई ऐसी संस्था बना दी जाए जो विश्व स्तरीय साइकिलिस्ट्स तैयार करे और वो भविष्य के भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग में मेडल्स ला सके। और सोहराब भूत के साथ मिलकर उन्होंने नेशनल साइकिलिस्ट फेडरेशन बनाई। इस फेडरेशन ने आने वाले समय में
ओलंपिक खेलों और एशियन खेलों में साइकिलिंग टीम को भेजा। जानकी दास ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया एक बड़े रोल के साथ। वो फिल्म थी खजांची, जो लाहौर में बनाई गई। 1941 में ये फिल्म आई थी। उनकी अगली फिल्म 1946 में डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, और उसके बाद जानकी दास जी लगातार फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे, रोल करते रहे। जानकी दास जी को बॉलीवुड फिल्मों का पहला प्रोडक्शन डिजाइनर भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डिजाइन किया, जिनमें पत्थर और पायल, वारंट आदि शामिल थी। 6 दशकों तक चले अपनी फिल्मी सफर में जानकी दास जी ने लगभग 1000 से भी अधिक फिल्मों में किसी ना किसी कैपेसिटी में जुड़े रहे। उन्हें आज भी याद किया जाता है उनके कॉमिक रोल्स की वजह से। उन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। 1955 में आई फिल्म यादों की कसम की कहानी जानकी दास जी ने ही लिखी। जानकी दास जी ने अनगिनत किताबें भी लिखी। उनकी सबसे ज्यादा फेमस किताब, सबसे ज्यादा मशहूर किताब है माई एडवेंचर्स इन फिल्मलैंड एंड एक्टिंग फॉर बिगिनर्स। अपने लंबे सफर में जानकी दास जी को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज एन एक्टर, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां भी शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो एक ओलंपियन थे, और 1934 और 1942 के मध्य उन्होंने लगभग 8 विश्व रिकॉर्ड साइकिलिंग के अपने नाम किए। खेलों और साइकिलिंग के साथ उनके प्रेम को लेकर जानकी दास जी ने स्वयं ही एक ऐसे एपिसोड को याद किया था, जिसे हम आपको बताना चाहेंगे। जानकी दास जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साइकिलिंग उतना पॉपुलर नहीं था जितना शायद क्रिकेट, टेनिस या हॉकी था, और वो चाहते थे कि नए नए खिलाड़ी साइकिलिंग की तरफ आएं और वर्ल्ड ओलंपिक खेलों में जाएं। तो साइकिलिंग को किस तरह से पॉपुलर किया जाए? अशोक कुमार उस समय एक बहुत बड़े स्टार थे और बहुत सारे यंगस्टर्स उनको फॉलो करते थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अशोक कुमार जी के साथ एक साइकिलिंग रेस का आयोजन किया जाए। उसको देखकर बहुत सारे यंगस्टर्स प्रोत्साहित होंगे। तो एक बार अशोक कुमार सेट पर बैठे थे, तो जानकी दास जी ने साउंड बॉडी, साउंड माइंड के ऊपर जबरदस्त बातचीत करनी शुरू कर दी। अशोक कुमार तब तक ये नहीं जानते थे कि जानकी दास जी एक बड़े साइक्लिस्ट रहे हैं। तो अशोक कुमार जी ने आकर कहा, जानकी दास, क्या तुम जानते हो कि मैं स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं क्रिकेट, टेनिस वगैरह को बहुत पसंद करता हूँ। तो जानकी दास जी ने कहा कि अशोक कुमार जी, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों में हॉकी और फुटबॉल से ज्यादा जो मेडल स्टेक पर होते हैं वो साइकिलिंग में होते हैं, और क्रिकेट और टेनिस तो उस समय तक ओलंपिक्स में थे ही नहीं। दरअसल जानकी दास जी धीरे धीरे अशोक कुमार जी को साइकिलिंग की तरफ लाना चाह रहे थे, और बातों बातों में जानकी दास जी ने अशोक कुमार को साइकिलिंग के एक कॉन्टेस्ट के लिए राजी कर लिया, और इस रेस को 18 मई 1951 को मुंबई के ब्रिबॉन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करने का चैलेंज दे दिया। अशोक कुमार जी मान गए, क्योंकि अशोक कुमार तो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे ही नहीं। दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक फ्रेंडली सा कॉम्पिटिशन करेंगे, और बहुत सारे दर्शक इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए ब्रिबॉन स्टेडियम आ गए। अशोक कुमार एक आइकॉनिक हीरो थे, वो जानकी दास जी से हारना नहीं चाहते थे। 100 यार्ड के करीब अशोक कुमार लीड ले गए, तो जानकी दास जी को लगा मतलब उनके अंदर का जो साइक्लिस्ट था वो कहीं से दोबारा उस आहत हो गया, और उन्होंने तेज फर्राटे से साइकिल निकालकर अशोक कुमार जी को बहुत पीछे छोड़ दिया। जीत और हार की बाजी तो थी ही नहीं, ये रेस थी साइकिलिंग को प्रचलित करने के लिए। इस साइकिल रेस को अशोक कुमार और जानकी दास के मध्य ब्रिबॉन स्टेडियम में साइकिल रेस जो 1951 को रखी गई थी, 1,00,000 से भी ज्यादा टिकट के द्वारा रुपए एकत्रित किए गए, जो साइकिलिंग के कॉज में लगाए गए। जानकी दास जी 93 वर्ष की उम्र तक जिए। उम्र के अंतिम पड़ाव में आकर उन्हें दिल के रोग का सामना करना पड़ा, और 18 जून 2003 को हम सबको अलविदा कह गए। भारत की स्वतंत्रता से भी पहले साइकिलिंग में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल करने वाले जानकी दास ऐसे फिल्मी एक्टर थे जिनकी दूसरी इनिंग्स के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन एज ए साइकिलिस्ट, एज ए प्लेयर, आप में से बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत उत्सव कार्यक्रम आप तक पहुंचाता रहेगा खेलों के मैदान से ऐसे ही कुछ जाने माने और कुछ समय की दौड़ में पीछे छूट चुके नामचीन खिलाड़ियों के जीवन के रोचक किस्से और उपलब्धियां। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण, प्रस्तुत करता नितिश अरोड़ा।